बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तानी जीवकार, आप देख रहे हैं एके टीवी। एके टीवी की हमेशा यही कोशिश रही है कि आपके लिए मुनफरद और शौरी और तमीरी प्रोग्राम लाए जाएं। आज हम पाकिस्तान भर में जो बेशुमार अकवाम फैली हुई हैं, आज हम ऐसी ही एक कौम, ज़ात, बरादरी, कबीले की जो बैठक है वो सजी हुई है, उसमें हम मौजूद हैं। मैं नूर हुसैन बाजवा साहब, जिनका तल्लुक सियालकोट, ज़िला सियालकोट से ही है, उनसे गुजारिश करूँगा कि दोस्तों के तारफ करवाते जाएँ और उनके अहवाल जो हैं वो बरादरी के बारे में, कबीले के बारे में, वो थोड़े थोड़े आगाही दीजिएगा। जी नूर हुसैन बाजवा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे नाल खड़े ने सिंध तों आए रमज़ान भाई साहब, मशहूर सियासी समाजी शख्सियत ने सिंध तों रमज़ान भाई साहब। उन्होंने नाल शुगर मिल के प्रेजिडेंट जहाज़े भाई साहब मीरपुर खास सिंध तों, उन्होंने नाल जिले नारवाल पीपल पार्टी के सदर ट्रैक्टर का शोरूम आजाद भाई साहब ने, उन्होंने नाल साडे हाईकोर्ट वकील दे एडवोकेट अली बाजा साहब साडे नाल इस टाइम मौजूद ने, उन्होंने नाल साडी बाजवा फैमिली इंटरनेशनल नौजवान चाचू जी आसान भाई साहब बाबा बाज चैनल के प्रेजिडेंट ने, उन्होंने नाल हायर कंपनी और प्रेजिडेंट फैसल भाई साहब मुल्तान तो तशरीफ लैके आए हैं, उन्होंने नाल नवीं गड्डिया का शोरूम मीरपुर खास सिंध के अंदर आदल भाई साहब सियासी समाजी मजहबी शख्सियत ने, उन्होंने नाल साडे मामू जान तैयब भाई साहब के साडे भी जवेद इकबाल गराया साहब, जवेद इकबाल जट साहब जो माशाल्लाह बड़ी कसीर तादाद के अंदर इलैक्शन हाईकोर्ट का जीते ने, तो उन्होंने नाल बाजवा कंप्यूटर अकैडमी जेडे पंजाब के अंदर मुख्तलि जगह से बाजवा ना के टैंपीज फ्री बन रहे हैं, हर जगह हर पिंड के अंदर उन्होंने अकैडमिया ने, उन्होंने ब्रांचा ने मुख्तलि कंप्यूटर दया, तो वह भी इस टाइम साढ़े को मौजूद ने। साडे चाचू जी इस टाइम लाहौर तो आए, ये भी साढ़े नाल मौजूद ने। हुण शादी के बारे साढ़े छोटे वीर अली भाई उमर भाई साहब दसते हैं कि इन्हें की महसूस किया, जो पूरी दुनिया तो बाजवे आए हैं, इन्हें की फील किया, साउथ अफ्रीका तो स्पैशल टिकट लैके हाजी सिंह भाई साहब आए हैं, सारे बारे वो तुम्हें दसते हैं कि इन्हों के की ख्याल आते हैं साढ़े सारे वीर के बारे। जी भाई साहब, औज़ बिल्लाह मिने शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी नूर हुसैन बाजवा साहब के असी बड़े ही मशहूर हाँ कि उन्होंने बाजवा फैमिली को इकट्ठा किया और एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया। उन्होंने बाजवा साहब माशाल्लाह सिंध तो तशरीफ लियाए ने, उन्होंने बड़ी मुहब्बत की, प्यार किया, अपना कल्चर जो है वह हर बाजवे को पन्ना पहुँचाया और टोपी सिर उत्ते पहनाई और माशाल्लाह बड़ी मुहब्बत की। उन्होंने नाल चौरी सदीक बाजवा साहब इतने साड़ी महफिल च मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने हाड़ी जो बरात सी माशाल्लाह उन्होंने चार चांद लगाए और उन्होंने अलहमदुल्ला एक मसाली कायम की कि अलहमदुल्ला उन्होंने नोटा की बरसात की। असी उन्होंने भी मशहूर हाँ, असी सारी बाजवा फैमिली के मशहूर हाँ कि उन्होंने साड़ी ये खुशियां शामिल हो के सानू ये सबक दिता है कि असी बाजवे फैमिली अलहमदुल्ला बेशक जिथे भी मौजूद हाँ, सिंध हाँ, नारोवाल हाँ, गुजराल हाँ, सियालकोट हाँ, जिथे भी हाँ अलहमदुल्ला ही कट्ठे हाँ और एक वास्ते अलहमदुल्ला असी भरावां दे नाल खड़े होने तैयार हाँ। और अज साडे पिंड दे बजुर्ग ने चौरी सानुल्ला बाजवा साहब माशाल्लाह वह भी साडे विच मौजूद ने, माशाल्लाह शायर पंजाबी शायरी दे माशाल्लाह मन्ने तर मन्ने ने। वकीलों के सदर जिहड़े माशाल्लाह कसीत दादां दित्ते ने, वह दो मिनट साडे नाल गुफ्तगू कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौरी नूर हुसैन बाजवा साहब, चौरी सानुल्ला बाजवा साहब और साडे सिंध तों आए बाजवा फैमिली दे सारे दोस्त, असी उन्होंने शादी के वेलकम करने हैं और साडा दोस्तों तमाम दोस्तों ने बड़ा माण बधाया साडी शादी शामिल हो के, असी इंशाल्लाह भाइयों के मशहूर हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू चाचू जी। सान भाई साहब पंजाबी के अंदर गुफ्तगू करन दे पूरी दुनिया के लोग सुन दे लाइव। जी चाचू जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मित्रों, कुरान पाक जी लिखिया है कि अल्लाह ताला आंदा मैं तुहानू कबीलियां च वंडिया ताकि तुसीं आपस च एक दूजे की सुझाण कर सको, बाकी तुहाडे विच जिहड़ा चंगा है वह अपने अमलों के सिर ते, चंगा या मंदा होना इहदी शर्त कबीले नाल नहीं जुड़ती, लेकिन कबीला जिहड़ा है सुझाण वास्ते है, तो सुझाण ता ही कायम रह सकती है कि कबीले के लोग आपसी मिलत गिलत ते मिल वर्तन जिहड़ा उन्हूं कायम दायम रखन। इहदे नाल नाल ये भी जरूरी है कि असी अपनी तारीख तो अपने पिछोकड़ तो जाणू होइए, सानू पता होवे कि साडा प्यो दादा परदादा नगरदादा या पिछे 10-20 पुश्तां कौन सी,
और साड़ी लड़ी दे विच केड़े केड़े बहादुर लोग होए ने, केड़े केड़े नामी लोग होए ने, उन्हां की नामना खटी। जिस तरह अरबां दे विच पुराने अरबां च रवाज सी कि वह जदों भी उन्हां दे कट हुंदे सन ते उत्थे वह बाकायदा फिर एक बंदा उठदा सी, उह आंदा सी जी मेरे दादे ने हज़ार बंदे की रोटी पकाई सी बरादरी की, तुहाडे चों किहड़ा जिन्हें पकाई होए उठ के दसो। तो ये जिहड़ी चीज़ है ना, इहदे नाल चंगीआं पिरतां चंगे काम चंगीआं किरतां दा जिहड़ा एक जज्बा है वह भी अगे टुरदा लगा जांदा है। तो माशाला जी बाजवा खानदान बहुत वड्डा खानदान है, पूरी दुनिया में पसरिया होया है। तो नामी ग्रामी लोग ने जिथे जिथे भी आए ने, साडे जिहड़े प्यारे मित्र सिंध तो तशरीफ लियाए, उन्हां सारयां नूं भी असीं जी आयां नूं आखदे हां सानूं बहुत चाह चढ़िया। तो जिउंदे वास्ते रहो, खुश रहो, सलामत रहो जी। तो अपनी जबान नाल, अपने विरसे नाल, अपनी नस्ल नाल प्यार करिया करो, क्योंकि जिंदा कौमां हमेशा अपनी जबान, अपने विरसे, अपने रहन सहन नाल प्यार करदियां ने। और जिहड़े नहीं करदे, जिहड़े मंगे हुए लीड़े पाणा गिज जांदे ने, वह फिर अंग्रेजी का मकूला है कि बारूद वी इज़ सैलडम फिट, मंगे हुए लीड़े कदी कदाई पूरे आउंदे ने। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तैयब भाई साहब के छोटे भाई की शादी है, हुण दसन दे जिहड़े बाजवे दूर दूर तो आए हैं, तो इन्हें की फील किए हैं जी? तैयब भाई साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप टीवी दी मैं बड़ा मशहूर हाँ जी, शरीफ तशरीफ लियाए इतने, खास तौर पर आदल बाजा साहब का, फैसल बाजा साहब का फोटा पास तो तशरीफ लिया बाबलपुर तो, रमज़ान बाजा साहब का सिंध तो, भाई शफाकत बाजा साहब, जहाँ जेब बाजा साहब, मैं इन्हों का तय दिल तो मशहूर हाँ जी, जिन्हें इन्हें मुहब्बत की ने, मैं इन्हों का सारी जिंदगी मशहूर हाँ और मैं इन्हों की मुहब्बत का मकरूज़ हाँ। मैं इंशाल्लाह ताला का सारी जिंदगी भी इन्हों की खिदमत करा, तो मैं शायद कर्ज ना उतार सकता। हाँ जी, सदीक बाजा साहब का खास तौर पर मशहूर हाँ, जिहड़े साउथ अफ्रीका तो तशरीफ लियाए ने, इन हफ्तों दियाँ मैं इन्हों चाहतों का, मैं बाजवा फैमिली का बड़ा मशहूर हाँ, बहुत बेहद मशहूर हाँ जी। बहुत शुक्रिया, हक टीवी का भी बहुत शुक्रिया, जो तशरीफ लियाए हो, ताड़ा भी सारे का, सारे मेहमानों का भी, मैं दिल दिया था गहराइया तो वेलकम करना जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शफाकत बाजवा चविंडे तो, क्योंकि जनाब अनुसार कबीला टीवी दे जनाब यूट्यूब चैनल जड़े ने साडे कोल इस वक्त जड़े ने साडी वीडियो बनाने वास्ते आए ने, मैं दिल की तह गहराइया नाल उन्हां दा शुक्रिया अदा करना शफाकत बाजवा। और जिस तरह के सिंध तो, पंजाब तो, कोटाबास तो, मुख्तलिफ इलाका जात तो साडे बाजवा फैमिली इंटरनेशनल दे दोस्त अहबाब जिहड़े के तैयब बाज साहब दे छोटे भाई की शादी ते इत्थे किला कलर वाले दे नाल गखड़ वाली पिंड दे विच तशरीफ लियाए ने, मैं इकट्ठ वेख के बहुत खुश होया। इत्थे आसान बाज साहब नाल भी मुलाकात होई है, तैयब बाज साहब नाल मुलाकात होई है, और साडे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब मुहम्मद रमज़ान बाजवा साहब, जिहड़ा दो दिन का सफ़र करके ट्रेन से जिहड़ा चविंडे पहला पहुँचे, उस तो बाद बड़ियाने सिंध मीरपुर खास तो, मीरपुर खास तो, मैं जनाब इन्हों का यह हौसला जनाब माशाल्लाह क्या बात है। जनाब मुहम्मद रमज़ान साहब, तुम की कहना चाहते हो इस बारे ची? लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्त यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो असी पूरी जी साड़ी बाजवा फैमिली है, साढ़े वीर ने नूर सैन बाजवा साहब जिन्होंने सानू बाजवा ने इस प्लेटफार्म से कट्ठा किया है, तो बाजवा ने सानू दावा दी सी, साढ़े बहुत ही शहजादे वीर ने तैयब बाजवा साहब उन्होंने सानू दावा दी है, असी सिंध चो सिर्फ अपने वीरां नू बाजवा फैमिली वालों मिलना आया, तो बहुत उन्होंने सानू इज्जत दी है, मेहमानवादी की है, तो असी बहुत शुक्रिया अदा करने नूर सैन बाजवा साहब का, तैयब बाजवा साहब का बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जनाब, मैं दावत देंगा कि जहान जेब भाई साहब वो तशरीफ लिया जनाब, जनाब तुसी अपने ख्याल का इजहार करो, जनाब तुम भी बड़ा लंबा सफ़र करके आए हो जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहान जेब बाजवा है, मैं सखर तो रिहायश, मेरी सखर जिला सखर च रिहायश है, और जनाब चौधरी नूर हुसैन बाजवा साहब और तैयब बाजवा साहब और जिन्हें भी साड़ी बाजवा बरादरी की चाहत मुहब्बत की खातिर असी इन्ना सफ़र करके आए हैं, और इन्होंने बहुत इज्जत दी और बहुत ही इन्होंने सानू एक सानू दिल की बहुत खुशी है कि उनके अल्फाज असी आख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इतने सानू इज्जत मिली।
ਗੁਰਫਾਮ ਖਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਾਕਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਮਹਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਆਏ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬਾਕੀ ਤਈਏ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਲੂਸ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰੱਖੇ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰ ਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਈਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕਅੱਲਾਹ ਜਨਾਬ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਔਰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਮਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜਵੇ ਬਾਜਵੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂ ਕਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਲੰਘਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰਦਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਾਜੋ ਵੀ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹਤ ਮੁਕਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤਈਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੂਰ ਤੋਂ
13 घंटे 14 घंटे पूरी दुनिया तो टिकटा लैके स्पैशल अपना वीर समझ के अली भाई साहब ने शादी के तशरीफ लैके आए हैं। उन्होंने सारे का दिल की गहराइया तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जो कीमती वक्त चो कढ़ के साड़ी इस मजलस के अंदर अपने घर को समझ के तशरीफ लै शाला जो सिलसिला तैयब भाई साहब ने दुबई से रह के सब तो पहला एयरपोर्ट का इस्तकबाल करना सारे जटा का उसे रसम चली अच्छ पूरी दुनिया से फैल रही है माशाला एक दूजे का चाह मुहबत कर रहे हैं। ये बाजवा जी फैमिली है इंशाला पूरी दुनिया से फैल रही है और एक दिन होएगा कि सारे खुशी रमी से कट्ठे नजर आएंगे जैसी मिसाल आ जाए भाई सारे कट्ठे हैं अल्लाह के फजल करम इस तरह इतिहास के अंदर बरकत है जो कट्ठे होइए इन्हें कोई दुनिया की ताकत चोरी सही साहब अक्सर अपनी तकरीर कहते हैं जटा की मिसाल है कि एक लकड़ी है उन्होंने कट्ठे करो कट्ठे बनो वो कोई नहीं तोड़ेगा पूरा पाकिस्तान भी आ जाए लकड़ी लैदा कर लो एक बंदा आम भी तोड़ लेगा इंशाला जी सारे जटा बाजवा रख के एक प्लेटफॉर्म से चलना और आपस के अंदर मोहब्बत प्यार पैदा करनी है नफरत को खत्म करना है करो ये सब बाजवा फैमिली भला कट्ठे हुए थे साडा ग्रुप भी उस हट गए जट बरादरी है तो बहुत प्यार चाहे आपस के लिए तैयार बाजवा साहब के छोटे भाई अली भाई ने धनवाद किया सारी भी फैमिली फैमिली का समाया स्पैशल इन्हों की शादी पर अलहमदुल्ला कल फिर देखा अलहमदुल्ला बहुत खर्चा किया बहुत सिस्टम किया जितने वो जिन्हें जो कि अभी है उन्होंने भी अपने चौक पूरे किए नहीं नहीं वो कोई फर्क ही नहीं अगे भी नहीं फर्क तो बिल्कुल इजी लगे जिमें ना तो अपने घर वाली गल है तो उस तो हट के साडे बाजवा बरादरी से कोई साढ़े मेहमान सिंध गुजरात उतों अगो पिछले सारे पूरे पाकिस्तान के इतने कट्ठे हुए थे यही हाल है जी बेशक उन्होंने वेलकम किया इन शाला सू उ बुला रहे सिंध भी जान तैयार है इंशाला साउथ अफ्रीका की अभी इंग्लैंड भी होगा तो इंशाला जरूर आवेंगे अटेंड करा भी सर यही हाल है बस दुआ अल्लाह तू साढ़े नाल असमत बाजवा साहब मौजूद ने सखाना बाजवा तो असमत बाजवा साहब मौजूद ने असं इन्हों को जानने की कोशिश करने कि इन्होंने इस शादी के आ के दो किस्म का मजा लिया है एक तो इन्हें शादी ने इंजॉय की दूसरा इन्होंने बाजवा इंटरनेशनल फैमिली के जी शख्सियात ने उन्होंने मिल के अपनी रौनक में तबादला किया इन्होंने पूछने कैसा इन्होंने महसूस होया असीं परवरदिगार से हुज़ूर दुआ करां कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाजवा फैमिली नूं इस तरह ही हसदिया मुस्करांदिया रखे इन्हां दे विच आपसी मुहब्बतां इस तरह ही रहन इन्हां दे इसे लफ्ज़ां दे नाल ही इज़्ज़त चाहुंदे हां अल्लाह हाफिज़।